हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था किल्न बेस फ्रेम के बारे में कि कितने टाइप के होते हैं, रिजिड सपोर्ट, सेमी रिजिड सपोर्ट और सेल्फ अलाइनिंग टाइप का होता है। दोस्त, आज हम आपको बताएंगे कि उस सपोर्ट पे ही रखा जाता है रोलर असेंबली। जाहिर सी बात है कि किल्न का रोटेशन टायर से होता हुआ रोलर पे होता है। किल्न रोटेट कर रहा है टायर पे और टायर का रोटेशन दो सपोर्टिंग रोलर पे होता है। तो जो सपोर्टिंग रोलर की असेंबली है उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें बेनिफिट्स होता है, कैसे वो मेंटेनेंस फ्रेंडली भी हो, कैसे हम मिनिमम टाइम में कोई भी अगर प्रॉब्लम आते हैं हम उसको अटेंड कर सकते हैं, कैसे इंटरनल इंस्पेक्शन आसानी से किया जा सकता है, ऐसे क्या क्या कंपोनेंट लगे हैं, सारे कंपोनेंट के बारे में दोस्त आज हम आपको बताने वाले हैं। किल का आउटर सेल का टेम्परेचर करीब करीब 300 या 350 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। उसी कंडीशन में जो सपोर्ट रोलर है वहीं पास में ही रहता है। अगर कंटिन्यूअस 300 डिग्री सेल्सियस या 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कोई भी इक्विपमेंट रहेगा तो उसका जो भी कंपोनेंट पार्ट है वेल डिजाइंड होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या ध्यान दिया जाता है? पहला है कि जो भी टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है आउटलेट में उसका इफेक्ट कम से कम बेयरिंग हाउसिंग और रोलर सिस्टम पे पड़े। उसके लिए क्या किया जाएगा, हीट प्रोटेक्टिव शील्ड लगे रहते हैं जस्ट दोनों हाउसिंग के ऊपर में। कभी कभी तो रोलर को भी ढक देते हैं हीट शील्ड से। जो रोलर के इनसाइड में बेयरिंग है उसके लिए वाटर कूलिंग अरेंजमेंट भी होता है, जैकेटिंग होती है, प्रॉपर जो भी आयल है और जो बेयरिंग का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, आयल कूलिंग सिस्टम भी रहता है और वाटर कूलिंग सिस्टम की जैकेटिंग बेयरिंग के इनसाइड में होती है। अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट वन बाय वन तो सबसे अहम किल सपोर्टिंग रोलर में आता है रोलर और उसका शाफ्ट। तो जो रोलर है और उसका शाफ्ट ये आपस में श्रिंक फिटेड होते हैं और ये ध्यान दिया जाता है कि इन्वायरमेंट में जिस वर्किंग कंडीशन में इसको काम करना है वहां पर करीब 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो सकता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है उस कंडीशन में जो श्रिंक फिट का टॉलरेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली जो भी श्रिंक फिट किया जाता है 0.05 या 0.06 0.07 के रेंज में ही होता है, लेकिन दोस्त इस कंडीशन में जो श्रिंक फिट होता है शाफ्ट और रोलर में करीब 0.3 0.4 तक का श्रिंक फिट किया जाता है कि अगर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी रोलर का अगर हो जा रहा है, अगर टेम्परेचर होगा तो उसमें एक्सपेंशन होगा, तो वो एक्सपेंशन इतना ना हो जाए कि जो शाफ्ट और रोलर आपस में डिटैच हो जाए। मैं डिटैच होते हुए भी देखा हूँ, तो वो बहुत ही तरीके से होना चाहिए और होता भी है। जो रोलर है वो कास्ट स्टील का होता है जिसमें क्रोमियम 42 या मॉलिब्डेनम 4 टाइप का परसेंटेज का मटेरियल यूज होता है। जो शाफ्ट है स्पेशल कार्बन स्टील का हो जाए वो फोर्ज डिजाइन का होता है, फोर्जिंग करके बनाया जाता है। जो भी उसमें मटेरियल यूज होता है CK 35 जो कि हार्डन स्टील होता है। जो प्रोफाइल होता है रोलर का चैम्बर टाइप का होता है या एनबिल मैसिव टाइप का होता है। लिफ्टिंग के लिए क्या किया जाता है कि जो रोलर में ही है बोर कर दिया जाता है, कहीं किसी रोलर में 2 बोर होते हैं, किसी में 3, किसी में 6, एज पर द रिक्वायरमेंट। तो जितना ज़्यादा बोर होगा उतना स्ट्रेंथ दोस्त कम हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो मिनिमम टू मिनिमम बोर किया जाना चाहिए और बोर किया भी जाता है क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको निकालने के लिए लगाने के रोलर असेंबली में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है जो रोलर के इनसाइड में बोर होता है। और उसका डाया ध्यान रहे, उसका डाया करीब करीब 100 mm तक रहना ही रहना चाहिए। मैं फेस किया हूँ, एक हमारे रोलर में 70 mm का होल था, जो सीलिंग लगा रहे हैं उसका नो भी नहीं जा रहा है इनसाइड में। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, तो ये थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि कम से कम 100 mm का तो मिनिमम बोर होना ही होना चाहिए, जैसे कि आसानी से नोब जो वायर सीलिंग का है वो आराम से जा सके। जो शाफ्ट है उसके एंड में कॉलर प्लेट लगे होते हैं जो कि थ्रस्ट प्रेशर को विदस्टैंड करता है और यही थ्रस्ट कॉलर जो बेयरिंग है बेयरिंग के व्हाइट ब्रोंज मेटल लाइनर के साथ में कंटिन्यूसली
घर्षण करता रहता है और उसी के कॉन्टैक्ट में चलता रहता है। अगर हम बात करते हैं कि बीयरिंग असेंबली की, जो उसका हाउसिंग का डिज़ाइन होता है, बॉटम हाउसिंग का आप देख सकते हैं, ये स्फेरिकल डिज़ाइन टाइप का होता है और इसमें टिल्ट टाइप का बीयरिंग असेंबली होती है और इसका प्रॉपर स्क्रैपिंग करके भी रखा जाता है, फुल कॉन्टैक्ट में नहीं रहता है। ये सेंटर में करीब 200 डाया में ये फुल कॉन्टैक्ट में होना चाहिए और रेस्ट में 0.05, 0.07 या 0.1 mm तक का भी गैप रहता है। तो अगर हल्का सा भी कुशनिंग इफेक्ट आए, अपना पोजीशन चेंज कर सके टिल्ट बीयरिंग, क्योंकि इसी बीयरिंग के ऊपर में शाफ्ट का माउंटिंग होता है और किल का बिहेवियर तो आप जानते ही हैं, वो जैसे जैसे चेंज होगा तो ऑटो में ये टिल्ट टाइप का बीयरिंग होता है वो अपना पोजीशन 3 या 4 mm तक चेंज कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो टिल्ट बीयरिंग है, इसके ऊपर में जो ब्रॉन्ज व्हाइट मेटल की बीयरिंग लगी होती है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डैमेज हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया या बीयर रेट इसका बढ़ गया है तो आप इसको चेंज कर दीजिए। तो ये डिटैचेबल टाइप का डिज़ाइन होता है, जो मटेरियल कंपोजिशन है 32% एल्युमिनियम, 5% कॉपर और रेस्ट जिंक का परसेंटेज होता है। जो बीयरिंग है वो गन मेटल का भी बनता है, लेकिन मोस्टली आज के डेट में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि वो टोटल जो लाइनर है, बीयरिंग लाइनर है, वो व्हाइट ब्रोंज का ही बना रहता है, जिसका हार्डनेस भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, बियर रेट इसका थोड़ा सा कम रहता है, प्रॉपर तरीके से स्क्रैपिंग कर दिया जाता है कि स्क्रैपिंग में भी हमको कुशनिंग इफेक्ट आए, आराम से स्क्रैपिंग कर सकें बियरिंग लाइनर को, क्योंकि हमको सेंटर में ही थ्रू आउट कॉन्टैक्ट देना होता है, उसके बाद रेस्ट में हमको 0.05, 0.1 या 0.3 टॉप तक हमको गैप मेंटेन कर रखा जाता है। दोस्त, इसके बारे में भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे कि स्क्रैपिंग प्रोसेस कैसे करते हैं, कितना कितना गैप रखना चाहिए थ्रू आउट प्रोसेस के बारे में, कि कोई पीस डैमेज हो जाता है, थ्रस्ट कॉलर डैमेज हो जाता है और कुछ भी प्रॉब्लम आता है, उसके बारे में भी हम आपको 1x1 करके वीडियो बना के देंगे। अगर इंटरनल की बात करते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रॉपर कूलिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, जो आयल है और जो बीयरिंग सरफेस है। तो उसके लिए क्या होता है, जो टिल्टिंग बीयरिंग है इसमें ही वाटर इन और आउट, एक वाटर जैकेट सिस्टम होता है जो कि वाटर इन और वाटर आउट होने की फैसिलिटी होती है, जो कि बीयरिंग को हमेशा कूल करता रहता है, नंबर वन। दूसरा है कि आयल की कूलिंग होनी चाहिए, इसके लिए सेपरेट में फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम लगे रहते हैं, जहाँ पर जो भी आयल है उसका प्रॉपर फिल्ट्रेशन भी हो और आयल की कूलिंग भी हो। इस एडवांटेज के कारण जो भी आयल का टेम्परेचर है वो करीब करीब 50 डिग्री सेल्सियस या 40 और मेरे यहाँ तो 35 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है ऑयल का, और वो चलते रहते हैं प्रॉपर तरीके से। जो लुब्रिकेशन सिस्टम है इसके लिए टॉप में, शाफ्ट के टॉप में ही आयल ब्रैकेट लगे रहते हैं, वहाँ पर स्कूपिंग टाइप का बकेट होता है जो कि मैनुअली वो जैसे जैसे रोलर चलते रहेंगे वैसे वैसे ऑयल को नीचे से स्कूप करेगा और टॉप ट्रे में गिरा देगा, और ट्रे का डिज़ाइन ऐसा होता है कि वो थ्रू आउट शाफ्ट पे मटेरियल का एक्सप्लेस कर देगा कि जो भी फिल्म का जनरेशन हो रहा है ऑयल का थ्रू आउट शाफ्ट पे हो। क्या होता है कि पहले किल का आरपीएम करीब 3 RPM से बिलो रहता था, तो उतना हाइड्रोस्टैटिक जो भी ऑयल फिल्म का जनरेशन होता था वो नहीं होता, लेकिन आज के डेट में 5 RPM तक जाते हैं, तो जितना RPM जाएगा उतने तरीके से ऑयल फिल्म का जनरेशन होगा। तो आज के डेट में आयल का फिल्म जनरेशन होता है, और जो आयल फिल्म का जनरेशन होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसको देखने के लिए बीच बीच में आप इंस्पेक्शन डोर से आप आयल फिल्म का जनरेशन देख सकते हैं, विजुअल कितना थ्रस्ट गैप है थ्रस्ट कॉलर के बीच में, आप इंस्पेक्शन डोर से ही आप देख सकते हैं कि जो भी थ्रस्ट गैप है, मान लीजिए 6 से 12 mm तक का थ्रस्ट गैप रहता है एक साइड में और दूसरे साइड में करीब करीब टच करके चलता है, तो वो गैप आप देख सकते हैं कि रोलर की बिहेवियर किधर है, वो डाउन हिल साइड में है देखिए, आप अप हिल साइड में है, कितना एक्सेल प्रेशर होना चाहिए थ्रस्ट कॉलर पे। उसके इंस्पेक्शन के लिए मेजरिंग टूल्स भी होते हैं, कितना प्रेशर अप्लाई करके कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है थ्रस्ट कॉलर पे, इसका भी मेजरमेंट चलता रहता है। दोस्त, आगे चल के ये भी बताएंगे कि थ्रस्ट प्रेशर कितना होना चाहिए, अगर कितना साइज का किलन
का सपोर्टिंग रोलर का डाया है, उसका डिजाइन है, तो उसके हिसाब से भी हम आपको बताएंगे। प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए क्या होता है कि आयल का टेम्परेचर हमको पता होना चाहिए, बेयरिंग का टेम्परेचर हमको पता होना चाहिए, और ये ऑनलाइन CCR में इंडिकेशन जाता रहे इसके लिए इनसाइड में ही RTD लगे होते हैं, ऑयल का सेपरेट में और बेयरिंग के लिए सेपरेट में, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिकली पता चलता रहता है कि बेयरिंग और ऑयल का टेम्परेचर कितना चल रहा है। अगर ज़्यादा 60°C से ज़्यादा आ रहा है, अलार्मिंग कंडीशन में आ गया, तो इमीडिएट उस पर एक्शन लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैं बताऊँगा, इंस्पेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा हम बताता हूँ कि जब भी आप कुछ भी इंस्पेक्शन करने जाएं, डोर खोलें कि हमारा थ्रस्ट गैप कितना आ रहा है, ऑयल फिल्म का जनरेशन कैसा है, जो ऑयल फोर्स लुब्रिकेशन सिस्टम द्वारा या स्कूपिंग बकेट के द्वारा प्रॉपर ऑयल का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस सब के लिए जो भी आप करें, डोर को प्रॉपर तरीके से ही बंद करें। अगर उसमें सीलिंग सिस्टम नहीं है, उसमें सीलिंग सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए कि इन्वायरमेंट से कोई भी डस्ट ऑयल में ना जाए, नंबर वन। दूसरा, जो भी सॉफ्ट सीलिंग है, सॉफ्ट सीलिंग का कंडीशन कैसा है, ऐसा तो नहीं उसमें गैप आ गया। मान लीजिए अपहिल साइड का बेयरिंग हाउसिंग है और सॉफ्ट सीलिंग बियर हो गया ज़्यादा, उसमें गैप आ गया, तो क्या होगा, जो सपोर्ट रोलर है वो तो डिग्री में होगा, तो सॉफ्ट पे जो ऑयल का फिल्म का जनरेशन हो रहा है वो धीरे 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 करके क्या होगा कि आउटलेट में चला जाएगा। तो जो भी सीलिंग सिस्टम है, ऐसा हो कि ऑयल को स्क्रैप करके अगेन ऑयल को हाउसिंग के इनसाइड में ही गिरा दे, वो बाहर साइड में उसका रिसाव ना आने पाए। कभी कभी आते हैं और ऑयल बाहर में आएगा, सपोर्ट रोलर के कांटेक्ट में आएगा, रोलर के कांटेक्ट में आएगा, वो रोलर के सरफेस पे आएगा, टॉप सरफेस आएगा, रोलिंग सरफेस पे आएगा, रोलिंग सरफेस पे आएगा तो टायर से चिपकेगा, और टायर और रोलर के बीच में आ गया तो ये एक ऑयल फिल्म जनरेस हो जाएगा, किल की टेंडेंसी हो जाएगी हमेशा नीचे भागने की, ये ध्यान में रहे। मतलब रोलर और टायर का क्लीनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए, और उसका प्रॉपर ग्रेफाइट ब्लॉक के द्वारा लुब्रिकेशन, वो ड्राई कंडीशन में ही चले कि किल्न का बिहेवियर सेल्फ में 5-6 घंटे में डाउन होना चाहिए, 5-6 घंटे में अप हो, तो मतलब किल्न का परफॉर्मेंस बेटर चल रहा है। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी कि सपोर्ट रोलर असेंबली के बारे में, कौन कौन सा उसमें इक्विपमेंट होता है, कौन कौन सा कंपोनेंट यूज होता है, और उसका डिजाइन पैरामीटर से क्या ध्यान दिया जाता है। अगर दोस्त आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।